أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته برادران عزيز برادران إيماني दुनिया में जहाँ कहीं भी हो रब्बुल जलाल अपने रहमत से आप सब की हिफाजत फरमाएं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आइए आलम इस्लाम का और इंसानियत का अजीम तरीन मौजू और जिंदा तरीन मौजू लेकर आपके खिदमत में बार दिगर हाजिर हुए हैं। इस सिलसिले में चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल होगा। खुशनसीब हैं आप सुनने वाले और समझने वाले के इंसानियत के अजीम मौजू के ऊपर आप गौर फरमा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मुख्तलिफ मौजूआत पर महदवियत इंतज़ार मुंतजरीन की सिफात हकीकत महदवियत महदवियत दर क़ुरान महदवियत दर अहादीस महदवियत दर कुतुब गैर मुसलमान महदवियत दर कुतुब आलम इस्लाम और उसके अलावा तारीख़ी हवाले से भी और अम्बिया के साथ इस अजीम मौजू का मुकायसा कराना वगैरह ऐसे अहम मौजूआत हत्ता के महदवियत और आशूरा इंतज़ार और आशूरा इंतज़ार और हमारी ज़िम्मेदारियाँ और सिफात मुंतज़रीन वगैरह इन तमाम मौजूआत पर कुछ पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है और कुछ तिशना है अभी मिन जुमला। उनमें से आज बहुत ही एक अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि हम माह रमज़ान में दुआ इफ्तिताह के आखिर में इस दुआ की तिलावत का शरफ़ हासिल कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फ़ी दौलतिन करीमतिन तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला। अरबी में दौलत हुकूमत को कहते हैं। परवरदिगार हम एक हुकूमत की ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रगबत सिर्फ़ ख्वाहिश नहीं होती है, रगबत और होती है, ख्वाहिश और होती है। इंसान की दिलचस्पी इरादा और पक्का इरादा मुसम्मम उरूज तक पहुँच चुकी हो उस ख्वाहिश को रगबत कहा जाता है कि कोई भी इंसान कभी किसी इबादत से रगबत रखता है, कोई किसी की रगबत तिजारत से है, किसी की रगबत सियासत से है और किसी की रगबत यानी हुसूल इल्म से है, किसी की रगबत यानी तज़किया नफ्स के साथ है। तो आइए जो हमारी रगबत है इस सिलसिले में अर्ज़ हुआ कि अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फ़ी दौलतिन करीमतिन, दौलत करीमा की तरफ हम रगबत रखते हैं। इंसान यानी जिस हाल में अभी रह रहा हो उस हालात को देखा जाए, इन हालात को देखा जाए तो वाकन रगबत ऐसी हुकूमत की होनी चाहिए। वो कौन है जो सहराए बेआब गया में रहता हो और किसी यानी गुल गुलाब से पूर्व गुलिस्तान की तरफ जाने की रगबत नहीं रखता हो? वो कौन है जो तंग और तारीक जिंदान के अंदर रहता हो और किसी आज़ाद वादी और महल में जाने की रगबत नहीं रखता हो? वो कौन है जो नरगए आदा में रहता हो और यानी वहाँ से निकल कर अहबाब के यानी महफिल में जाने की रगबत नहीं रखता हो? वो कौन है जो मौत मानंद ज़िंदगी रखता है और वो आज़ाद होकर यानी इज्जत हयात तय्यबा और इज्जत की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता हो? वो कौन है जो खारों पे सफ़र कर रहा हो और वहाँ से सफ़र तय करके बर्ग गुल पर अपना कदम जमाता हो और चलता हो, रगबत नहीं रखता हो? वाकई इंसान हर मनफी हैसियत से निकल कर मुस्बत की तरफ जाना चाहता है और साथ में रगबत भी रखता है। हमारी रगबतें पूरी आलम इस्लाम में यानी जहान तशयो जिनके अंदर वलवले हुसैनी है और इमामत और विलायत का साया सर पर है, हम एक ऐसी हुकूमत की रगबत रखते हैं। हमारी दुआएं भी इसी तरह की हैं, हमारी मुनाजातें भी इसी तरह की हैं, हमारे सेमिनार और गुफ्तगु और आरजू भी यानी इसी के लिए है कि हम दौलत करीमा चाहते हैं अल्लाह ताला से। लेकिन जिस हाल में हमारी ज़िंदगी है वो हाल कौन सा है? वो हाल ये है या फासिक यानी हुकूमतों में हमारी ज़िंदगी गुजरती है या फासिद हुकूमतों के हिसार में होते हैं या मुनहरिफ हुकूमतों में या जाहिल हुक्मरानों के साथ होते हैं, यही है यानी दौलत फासिदा, दौलत फासिका, दौलत जाहिला, दौलत मुनहरिफा,
ऐसी यानी कैफियत रखने वाले हुकूमतों के हिसार में इंसान ज़िंदगी गुजारता है। हालांकि अल्लाह ताला ने नव इंसानी को करामत के साथ पैदा किया है, लेकिन ये करामतें उन्हें बहुत कम आजकल की दुनिया में नसीब हुआ करती हैं। तो उस दौलत करीमा का जिक्र यानी सिर्फ इस दुआ के अंदर नहीं, और भी दुआओं के अंदर और भी अहादीस के अंदर जिक्र हुआ है कि यानी उसकी पहचान ये होगी कि दौलत करीमा की अल्लाहुम्मा इन्ना नरगब इलैक फी दौलतिन करीमतिन तुइज्जु बिहल इस्लाम व अहला। सबसे पहली बात यह है कि यानी इज्जत से सराफराज हो, और इज्जत सबसे पहली वो दौलत है और वो सरमाया है जो अल्लाह ताला ने मुनहसिर कर दिया है अपनी ज़ात के अंदर और अपने नबी के साथ और अपने वली के साथ, कि वलिल्लाहिल इज्जतु वल रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह की है और रसूल की है और मोमिनीन की है। ऐ काश कि वो दौलत इलाहिया पलट के आ जाए और ये इज्जत जो अल्लाह ताला ने सबको मुय्यन किया है वो सबको मुयस्सर आए। और ज़िल्लत व ख़ारी काफिरीन और मुनाफिकीन के नसीब में हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नरगब इलैक फी दौलतिन करीमतिन तुइज्जु बिहल इस्लाम व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहल। मुनाफिक जो है जलील ख़ार हो जाए। आज के दौर में ये दुआ में जो है, बल्कि दुश्मन चाहता है कि यानी इसका उलट माहौल दुनिया में सामने आ जाए। तो आइए, जब दौलत इलाही रोई ज़मीन पर कायम होगी तो कितने अल्फाज में और किन दुआओं में और किन मुनाजातों में इस दौलत में ज़िक्र करूँ कि कहाँ कहाँ दौलत करीमा का तज़किरा आया है और किन किन अहादीस के अंदर। तो यकीनन यानी आपकी खिदमत में चंद कलिमात दौलत करीमा के सिलसिले में कि निस्बत अल्लाह की तरफ दी गई है। कहाँ है वो अल्लाह की हुकुमरानी, कहाँ है वो अल्लाह की हुकूमत। अल्लाह की हुकूमत इसीलिए कि इस्लाम की हुकूमत होगी। इन दीन इंद अल्लाहिल इस्लाम, तो समझ लीजिए कि ये दौलत इलाही होगी। और दौलत इलाही यानी रोई ज़मीन पर अल्लाह के वली जिसे अल्लाह ताला ने मुय्यन किया हो और ये ताकत दी हो, वही मुय्यन कर सकते हैं। एक और हदीस में बिहार अनवार के जिल नंबर 51 ही के अंदर फरमाया, दौलत ना फी आखर दहर तजहरु, के मासूमिन फरमाते हैं कि हमारी हुकूमत आखर दहर तजहरु यानी ज़माने के आखिर में यानी क़यामत से पहले दुनिया की, जब दुनिया का ये सफ़र रूब इंतहा होगा वहाँ जाकर हुकूमत कायम होगी। हो सकता है कि उस हुकूमत की उम्र ज़्यादा हो, आदम से ले के ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलाम तक जितने लोग हुकूमत करेंगे उससे ज़्यादा लंबी होगी वो हुकूमत जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। आरज़ुआ के यानी दौलत न आखरत दहर तज़हरु, दौलत न यहाँ फरमाया है मासूमीन ने हमारी हुकूमत यानी हम आल मोहम्मद की हुकूमत, और ऊपर कहा दौलतुल्लाह यानी अल्लाह की हुकूमत, यानी अल्लाह की हुकूमत वही आल मोहम्मद की हुकूमत है और आल मोहम्मद की दौलत वही अल्लाह की दौलत है। तो उसके बाद वो दुआ जो हर वक्त में आपकी खिदमत में तिलावत कर लेता हूँ। एक और रिवायत में आया है, अस्सलामु अलैक अय्युहल मुअम्मलु लिहया दौलत शरीफा, कहाँ है वो हस्ती जो जिंदा करने वाला है दौलत शरीफा। हाँ, यहाँ दौलत करीमा की जगह दौलत शरीफा भी आया है, शरीफ तरीन दौलत। और शरीफ तरीन दौलत की खसूसियात क्या होती हैं, इंशाल्लाह मौजू वसी है, आने वाले नशस्तों में आपकी खिदमत में उसकी तशरीहात भी पेश की जाएंगी। के अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि अस्सलामु अलैका अय्युहल मुअम्मलु लिहया दौलत शरीफा, कहाँ है वो हस्ती जिससे आरज़ुएं और तमन्नाएं इंसान की पेवस्ता हैं कि दौलत शरीफा तश्कील दे। तो मैं चूँकि इन अहादीस के अंदर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दौलत का लफ्ज़ दौलत आल मोहम्मद, दौलत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, दौलत इस्लाम हकीकी, दौलतुल्लाही का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, उनके रेफरेंस पहले निशस्त में पैराग्राफ में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद एक और हदीस में आया है, ये भी बिहार अनवान जिल नंबर 52 के अंदर है, मुंतज़िरून लदौलतिल हक, के हम दौलत हक के इंतज़ार करने वाले हैं।
तो देखिए कि यानी मुख्तलिफ अहादीस के अंदर दौलत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उस दुआ में, दुआ इफ्तिताह के अंदर हम इसी का की आरज़ू और तमन्ना रखते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमतिन तुइज्जु बिहल इस्लाम व अहल व तुज़िल्लु बिहन निफाक व अहल। वो हुकूमत जब रोई ज़मीन पर बरपा होगी तो दुनिया जहाँ की हुकूमतों से बिल्कुल अक्सर जुदा होगी। कि यकीनन कोई हुक्मरान जब हुक्मरानी करने आता है और सरबराही का और हुकूमत का लगाम हाथ में ले लेता है तो तायद करने वाले भी होते हैं, आजकल कहते हैं वोटिंग या रेफरेंडम वगैरह से याद किया जाता है, और कदीम ज़माने में बैत की जाती थी कि यानी जिस सरबरा की और जिस पेशवा की लोग बैत ना करे वो हुक्मरान नहीं बन सकता था, तो यानी बैत ज़रूरी थी। तो जब ये दौलत इलाही है, अल्लाह की हुकूमत है, तो सिर्फ ज़मीन वाले ही यानी बैत नहीं करेंगे बल्कि सबसे पहले आसमान वाले बैत करेंगे। जबराइल अमीन सबसे पहले बैत करेंगे, मेकाइल बैत करेंगे इमाम अलैहिस्सलाम का, और इसराफील बैत करेंगे, फरिश्ते आसमान से आएंगे इमाम अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे। यानी यूँ अर्ज़ करूँ कि यानी दौलत करीमा की तायद ज़मीन वालों से पहले आसमान वाले करेंगे, और इसके बाद यानी इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत मुस्तकर होगी और रोज़ ज़मीन पर हुकूमत चलेगी। उसके बाद यानी ज़मीन वालों से किस शर्त पर इमाम बैत लेंगे, शायद यानी गुज़श्ते नशस्तों में भी कभी अर्ज़ हुआ है कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम सूरह मुमतहना के अंदर देखिए कि यानी किन शराइत के ऊपर बैत लेते थे, कि ख़ासकर ख़वातीन के बारे में कहा गया कि चोरी ना करें, तोहमत ना लगाएं, कत्ल ना करें, और ज़िना ना करें, और यानी किसी पे यानी इफ्तरा ना करें, इन शराइत के ऊपर बैत ली जाती थी। अब ये दौलत इलाही है, दौलत करीमा है, और उस दौलत से पैगंबर इस्लाम की दौलत से ये दौलत वसीतर है, तो इस लिहाज से यहाँ पर सब हर मर्द व जन के ऊपर इनकी शराइत होंगी कि यानी जंग से फरार ना करें, साबित कदम रहें, अपने अहद व पैमान को ना तोड़ दें, वफादार रहें। यानी गोया बैत करना एक अहद इलाही है, और उसको तोड़ने वाला इमाम के नज़र में वो गिर जाता है। तो बहुत सारी शराइत सामने रखी जाएंगी, इन शराइत पर उतरने के लिए हाजिर हो तो बिस्मिल्लाह बैत करें, अगर हाजिर नहीं हो तो बैत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आसमान वाले जब बैत करेंगे इमाम अलैहिस्सलाम की, तो ज़मीन वाले भी उनके ऊपर शराइत रखे जाएंगे और उन शराइत की रोशनी में सारे के सारे बैत करेंगे। अज़ीज़ान अमान, कोई भी जब हुकूमत कायम होती है तो हुकूमत का एक ढांचा होता है, एक सांचा होता है, कि हुकूमत कई हिस्सों में तकसीम शुदा होती है। मसलन यानी कम अज़ कम जो मेन पावर पॉइंट्स है किसी भी हुकूमत के, वो यानी कुव्वत मुकन्निना है, अदलिया है और मुजरिया है। मुकन्निना का ताल्लुक यानी असम्बली से है, कानून बनाने वाला शोबा, और मुजरिया में यानी काबीना आता है, वज़ीर आज़म है और उसके अंदर में मुशीर जितने भी हैं, इस कानून को जो असम्बली में बन गया है उसको मुल्क में जारी करते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, अमली करवाते हैं। और अदलिया जो है किसी के यानी लोगों को अपना हक दिलाना, किसी को जुल्म के हदूद क्रॉस न करने देना, और अगर हुकूमत से भी अगर कोई गलती हो या रियाया से आवाम से तो उसकी इसलाह करना अदलिया का काम होता है। तो यानी अगर मुल्क छोटा सा भी हो, जितना भी यानी कोई भी मुल्क छोटा हो, उसके अंदर जब तक ये निज़ाम ना हो आगे जाकर ये हुकूमत, ये ममलकत आसानी और कामयाबी से चल नहीं सकती है। अतः मुजरिया के अंदर यानी जो यानी काबीना है, जो हुकूमत है, उसके अंदर निज़ाम तालीम की भी ज़रूरत है, निज़ाम ज़राअत की ज़रूरत है, निज़ाम सियासत की ज़रूरत है, निज़ाम टेक्नोलॉजी और साइंस है, निज़ाम दिफा है, निज़ाम खारिजा है, वज़ारत खारिजा है, वज़ारत दाखिला है, और दिफाई सिस्टम है, और इसी तरह ज़राअत है, सनअत है। ये सारे यानी निज़ाम को जब मिलाते हैं तो एक हुकूमत बन जाती है, एक हुकूमत तश्कील पाती है। तो एक छोटे से मुल्क के अंदर अगर ये सारे निज़ाम और इंतज़ाम का होना ज़रूरी अगर है, तो उस सूरत में आप अंदाज़ा करें कि जिस हुकूमत की इस पूरी कायनात में निज़ाम हो, पूरी यानी आसमान वाले भी जिसके तायद करें, ज़मीन वाले भी जिसके तायद करें, उस निज़ाम का जो कायनात के चप्पे चप्पे पर खुशनसीबी और रोज़ी और अदल व हिकमत की रोशनी नज़र आती होगी,
उसमें कितनी इंसानों को यानी उसके निज़ाम कैसा होना चाहिए, उसके उस हुकूमत का निज़ाम इक़्तिसाद कैसा होगा, इक़्तिसादी ढांचा कैसा होगा, हुकूमत इलाही का इक़्तिसादी ढांचा, हुकूमत इलाही का सियासी ढांचा, हुकूमत इलाही का कल्चर व सकाफती ढांचा, और इसी हुकूमत इलाही का दिफाई ढांचा वगैरह यानी किस अंदाज में होगा, कैसे लोग इमाम अलैहिस्सलाम के कदम बोसी के लिए हाजिर होंगे जो इस हुकूमत को चलाने वाले होंगे। इस सिलसिले में बहुत सारी खसूसियात हैं इस हुकूमत की, मैं यानी बतौर इख्तिसार कुछ खाकों का मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ कि फरमाया कि निज़ाम हुकूमत में यानी जो एक ऐसी हुकूमत जो इंसान की सोच से भी बालातर है, ऐसी हुकूमत बरकरार होगी ना आज तक इंसान ने ना अपने आंखों से देखा हो ना उसके बारे में सुना हो। अतः जन्नत की नियमतों के बारे में कहा जाता है ला आइनुन रात वला उजुनुन समियत, न किसी आंख ने देखे हो न किसी कान ने सुने हो। तो यानी वाकई हुकूमत इमाम जमान अलैहिस्सलाम इस रोई ज़मीन पर समझ लीजिए कि एक जन्नत तामीर हो रही है कि जहाँ सबका इज्जत नफ्स महफूज है, सबके हकूक यानी महफूज है, किसी की इज्जत नफ्स पामाल नहीं होगी, जिस इंसान को जो चाहिए यानी उसे मैसर आएगी, हर कोई दूसरे के दुख और दर्द यानी रखने में शामिल होने में फ़ख्र समझता हो। ये ऐसी हुकूमत होगी कि जब इमाम एक सरबरा इमाम मासूम हो, फरिश्ते उनके तायद करने वाले हों, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हुकूमत की अजमत पर गवाही इस हदीस से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस से होता है कि इन्ना अज़्ज़ वजल अंज़ला अला नबीही किताबन क़ब्ल वफ़ातिही, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले अल्लाह ताला ने एक मकतूब अपने हबीब के ऊपर भेजा, वक़ाल या मोहम्मद हाज़िही वसीयतु का, ये वो वसीयत है जो तेरी तरफ और तेरे बाद तेरे आने वाले नस्ल और तेरे जानशीनों के लिए, तेरे जुर्रिया में जो तेरे जानशीन होंगे, ये वसीयत उन तक है मिन अहली का। काला के जबरील अमीन से पूछा कि वसीयत क्या, फ़काला अली इब्न अभी यानी आपके यानी नुखबा जो होंगे आपके वारिस जो होंगे उनके लिए है, पूछा कि यानी कौन कौन होंगे जबरील, तो सबसे पहले जबरील अमीन ने फरमाया कि काला अली इब्न अभी तालिब वल्दू काना अलल किताब खवातिम मिन ज़हबिन फदफ़ाहुन नबी इला अमीर अल्मोमिनीन, के उस पर मोहर लगी होगी उस ख़त के ऊपर और अमीर अल्मोमिनीन का हवाला किया पैगंबर इस्लाम ने, और उन्होंने अपने यानी शहादत के दिनों में इमाम हसन मुज्तबा के हवाला और उन्होंने सईद शहदा के हर इमाम ने अपने माँ बाप का हवाला किया है, और ये वो वसीयतनामा है जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुजूर आखिर में पहुँचा है। हर मकतूब के अंदर जिस इमाम तक ये वसीयतनामा इलाही पहुंचा है उसमें हर मासूम का ज़माना कैसा होगा और उसकी ज़िम्मेदारी कैसी होगी और ओहदे इमामत को कैसे अंजाम दिया होगा, ये सारा यानी उसके अंदर मकतूब है। लिहाजा जब ये नामा खोल देते थे तो हर इमाम के अपने ज़माने में अपने माहौल के मुताबिक जो ज़िम्मेदारी बनती थी उसको मिन अन अदा किया करते थे, और ये नामा जब दस्त मुबारक के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएगा तो वो उसके अंदर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने और उस हुकूमत के खद्द खाल और उसके शराइत और उसके अहकाम और अहमियत वग़ैरह उसके अंदर मौजूद है। तो रोई ज़मीन पर अदल की हुकूमत यानी उस हुकूमत के मुताबिक अदालत की हुकूमत उस दौलत करीमा में बरकरार करेंगे। तो आइएगा यानी एक अहम मौजू जो इसी के अंदर ही है, सबसे पहले यानी यमलुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला जो कहा जाता है, अमीर अल्मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इस अदल के बारे में पूछते हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस यानी खुतबा अज़ीम शान खुतबे से ये जानना चाहेंगे कि अदल क्या चीज़ है, कि पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत उस निज़ाम अदल के इंतज़ार में है। मौलाना फरमाया अल अदल मीज़ानुल्लाह, अदल अल्लाह का वो तराजो है, अल्लज़ी वज़अहु फिल खल्क व नसबहु लिक़ामतिल हक, अदल वो उस तराजो का नाम है जो अल्लाह ताला ने रब्बुल ज़ुलजलाल ने इंसानियत के लिए खल्क के लिए पूरी इंसानियत के लिए इस मीज़ान को बरकरार किया है, व नसबहु लिक़ामतिल हक, और इसका मकसद हक़ को ज़िंदा रखना है, हक़ को बरपा करना है,
कि किसी का हक न मारा जाए, कि अगर गुफ्तार में हक, किरदार में हक, निज़ाम हुकूमत में हक, और अगर इंसान किसी के बारे में सोचता भी है तो हक ही सोचे। इसलिए इस निज़ाम अदल को रोए ज़मीन पर अल्लाह ने अपना पसंदीदा हुकूमत करार दिया है, और हुकूमत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सबसे पहले अहम काम यही होगा। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस है, अल अदलु युसलिहु रईया, कि अगर यानी आवाम की इसलाह के लिए कोई ताकत चाहिए तो वह अदल की ताकत है। अदल के बग़ैर इसलाह मुमकिन नहीं है। जब अदल से इस्लाम मुमकिन है, यानी अहले यानी इंसानों की अदल इस्लाम मुमकिन है अदल ही के ज़रिए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इस्लाह करने वाला है माशरे का, वो अदल के समंदर में कितना डूबा हुआ होगा, किस हद तक मीज़ान। हत्ता खुद आइम मासूमीन के लिए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज्यारत में ज्यारतनामे में है, अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल्लाह, हमारा सलाम हो ए अल्लाह के तराजो, जो खुद अल्लाह का तराजो होगा और अदल का तराजो होगा रोए ज़मीन पर, हुकूमत अदल और मीज़ान का। और इसी की तरफ बाज़ यानी अहादीस में है कि सूरह हदीद में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वअलम अन्नल्लाह युहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। ये ज़िंदा कैसे होगा? मुर्दा ज़मीन से मुराद ये ज़मीन जो हम काश्तकारी करते हैं, जो अभी सर्दी के मौसम में ज़मीन मुर्दा हो जाती है, फिर गर्मियों में दोबारा ज़िंदा हो जाती है, बहार में ज़मीन की कैफियत और होती है, और ख़ज़ा में ज़मीन कुछ और होता हुआ, रंग बदलता हुआ नज़र आता है। यहाँ अर्ज़ से मुराद जो तावीली माना किया गया है वो इंसान का दिल है, वो दीन है। युहयिल अर्ज़ बादा मौतिहा, इस मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा करेंगे, और दोबारा ज़िंदा होने के लिए सरचश्मे आब हयात चाहिए, और इनकलाब इंसानियत को, इंसानों के माशरे को ज़िंदा करने के लिए अदालत चाहिए, अदल का सरचश्मा चाहिए, उसके ज़रिए इंसान दोबारा ज़िंदा होगा। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अदल के बारे में हदीस सुनाता हूँ कि इस्तेमालुल अदल वल एहसान मुअज़िनुन बिदवाम निअमा, अदल एहसान का माहौल और हुकूमत बरकरार करना खुल के ऊंची आवाज़ में ऐलान कर रहा है कि अल्लाह की नेमतें हमेशा के लिए जारी रहेंगी। बहुत चौंका देने वाली हदीस है अज़ीज़ान मन, अगर इसके ऊपर गौर करें कि अहादीस यानी नेमतें अल्लाह की बरकरार रहेंगी कब, किस सूरत में, कि अगर निज़ाम इलाही बरकरार रहे तो। देखिएगा अल्फाज पे गौर कीजिएगा कितना अहम, इस्तेमालुल अदल वल एहसान मुअज़िनुन बिदवाम निअमा, जिस मुल्क में अदल और एहसान का हुक्म यानी निज़ाम चल रहा हो, जिस जो सरबरा लोगों के साथ अदल और एहसान के साथ चल रहा हो, जो आवाम अपने आपस में भी अदल और एहसान के काज़ीउल क़ज़ात से लेकर आलिम दीन से लेकर रियाया से लेकर और आवाम से लेकर फौज और हुकूमत तक अगर अदल के ख्वाहां हो, तो समझ लीजिए कि उस हुकूमत से नेमतें कभी कम होने वाले नहीं हैं। उस हुकूमत में समझ लीजिए कि नेमतें ही नेमतें हैं। ये नेमतों का छिन जाना भी यही वजह है कि इंसान अपने अंदर वो कैफियत पैदा नहीं करता जिसकी वजह से जुल्म करता है दूसरों के ऊपर, और जिसकी वजह से बहुत सारी नेमतें इंसान से अल्लाह ताला छीन लेता है। एक मुफसल हदीस में अमे मासूमिन अलैहिस्सलाम से मनकूल है, मासूमिन फरमाते हैं कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि जिन गुनाहों की वजह से लोगों पर मानी बारान रहमत नाजिल होना रुक जाता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से नेमतें छिन जाती हैं, इंसान की हालत मुतगयर हो जाती है। और ये तो दुआ कुमैल में भी आप पढ़ रहे हैं, इसका लब लहजा मिलता है। एक और हदीस की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिससे इंसान की उम्र कोता हो जाती हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से ताजिर अपने तिजारत में फ़ायदा नहीं उठा सकता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से ज़मीन काश्कार अपने काश्कारी का फ़ायदा उठा नहीं सकता है, कुछ गुनाह ऐसी है जिनकी वजह से नहरों का पानी खुश्क हो जाता है। तो ये यानी उस हाल में कि जब इंसान निज़ाम अदल और अदालत का निज़ाम बरकरार न कर सके, अदालत का निज़ाम अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी और मुल्क के सांचे के ऊपर भी अगर ना हो तो यह हाल होगा। अम्मा अगर निज़ाम अदल बरकरार हो तो समझ लीजिए कि हुकूमत और बेहतरीन निज़ाम अदल के साथ हो तो अल्लाह ताला रोई ज़मीन से इसे ख़जाने खोल देगा कि दुनिया के लोग उस दौलत को समेट नहीं सकेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा
और दौलत तकसीम करने वाला बहुत सारे होंगे। तो उन्हीं में से एक यानी खूबसूरत तरीन जुमला निज़ाम अदल के बारे में खुतबा गर्रा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा में है, अल अदलु तंसीकन लिल कुलूब, अल निज़ाम अदालत इलाही लोगों के दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। तंसीक कहते हैं जैसा कि तस्बीह के दाने, अगर तस्बीह का मसलन उसके धागे के टूट जाने से, डोरी के टूट जाने से दाने बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद ज़ाया हो सकते हैं, टूट सकते हैं, गुम जाते हैं, लेकिन अगर उसको अगर सही डोरी के अंदर अगर आप पुरो के रख देंगे तो खूबसूरत दाने उससे आप तस्बीह का काम लेंगे। सलाम हो फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के इस फसाहत व बलागत के ऊपर कि नव इंसानी के दिलों को यानी इस तस्बीह के दानों से तशबीह दी है और निज़ाम अदल को उस रस्सी से, उस धागे से तशबीह दी है कि अगर निज़ाम अदल है तो दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अगर वो ना हो तो दिल इंसान का एक दूसरे से टूटा हुआ होता है और दिल के टूटने के बाद कोई निज़ाम, कोई हुकूमत बरकरार नहीं हो सकता है। तो अज़ीज़ान-ए-मन, यानी अगरचि ये अदल का मौजू बहुत ही वसी है, अगर इस सिलसिले में अहादीस बयान हो तो शायद कई घंटों तक गुफ्तगू इसमें हो सकती है। उसके अलावा आयत इलाही क़ुरान मजीद का कि जितने भी आयात हैं उसके ऊपर अगर गुफ्तगू हो निज़ाम अदल के ऊपर, तो यानी समझ लीजिए कि यानी काफ़ी घंटों तक और कई नशस्तों तक ये गुफ्तगू यानी तूल पकड़ सकती है। लेकिन इख्तिसार के साथ यहाँ पर यानी दो मौजूआत के बारे में आपकी खिदमत में हमने पेश किया गुफ्तगू। एक तो यानी दौलत करीमा का जिक्र कहाँ कहाँ आया है और उसकी खसूसियात क्या है, और दौलत करीमा का मसलन जो सांचा है और ढांचा है वो कितने कितने शोबों पर तकसीम होगा, और इसी दौलत यानी करीमा का जो निज़ाम अदल होगा और उस निज़ाम अदल के फ़वाइद क्या हैं, और अहादीस की रोशनी में निज़ाम अदल का के बारे में भी चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश हो गए। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खसाइस कैसे होंगे, कुछ खसूसियात इस निज़ाम अदल का, इमाम का फैसला फैसला अदल और हक़ के मुताबिक होगा, किसी ज़र्रा बर यानी इंसान तो कुछ किसी हैवान का भी हक नहीं मारा जाएगा, यानी इंसान सोच भी नहीं सकता है कि कितने अजीम अल्लाह ताला, और जो हकाइक और जमाइर और बातिन के ऊपर वो हुक्मरान आगा होगा, दिलों के ऊपर वो हुक्मरान, वहाँ मुमकिन ही नहीं है किसी का हक़ ज़ाया होना, और हर जे हक के ऊपर बग़ैर शहूद के, बग़ैर गवाह के इमाम अलैहिस्सलाम फैसला सादिर करेंगे। और एक और हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैननास बेहुक्म दाऊद ला यहताजु इलल बैना युल्हिहिमुल्लाह तआला फयहकुमु बिइल्मिही व युखबिरु कुल्ल क़ौमिन मस्तनबतूहु व युअरफु वलीयहु मन मिन अदुविही बितवस्सुम कमा क़ाला अज़्ज़ा व जल इन फी ज़ालिका लआयातिन लिल मुतवस्समीन व इन्नहा लबसबीलिन मुक़ीम। के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब क़ाइम आल मोहम्मद ज़ुहूर फरमाएंगे तो लोगों के दरमियान यानी अदल और क़िस्त का हुक्म और हुक्मरानी करेंगे हज़रत दाऊद की तरह, वहाँ पर यानी बैना और गवाही और शहूद की ज़रूरत नहीं होगी जिस तरह हज़रत दाऊद किया करते थे, बल्कि हकाइक के ऊपर फैसला करेंगे कि अल्लाह ताला उनको इल्हाम अता करेंगे, यानी इल्म इल्हामी अता करेंगे जिससे कोई खिफा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, और जैसा यानी बरगुल उठाना आसान होता है इसी तरह अदल का निज़ाम बरकरार करना इमाम अलैहिस्सलाम के लिए आसान होगा। ये वो दौलत करीमा है जो हम दुआ नदवा में भी चीख चीख के हर जुमे को सुबह यही फरियाद करते हैं, ऐन मुइज़ुल औलिया, ऐन मुज़िल्लुल आदा, ऐन सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ व समा, अना अना तालब बदमल मकतूल बेकरबला, अना मुहिय मालिमद्दीन, कहाँ है मालिमद्दीन को ज़िंदा करने वाला, कहाँ है आसमान और ज़मीन को मिलाने वाला, कहाँ है दीन को यानी नई हयात नव बख्शने वाला, कहाँ है किस्ब व इफ्तरा और तोहमतों की रस्सियाँ काटने वाला, कहाँ है ज़ुल्म व जबर के बुनियादों को ढाने वाला, और कहाँ है वो यानी दीन पैगंबर इस्लाम के बाग को शादाब करने वाला। यही निज़ाम अदल की खसूसियात हैं जिसका हमें इंतज़ार है कि वो दिन अल्लाह ताला दिखाए कि आज के ये हुक्मरान जो कदीम ज़माने में हज़रत मूसा के ज़माने में या इब्राहिम खलील के ज़माने में एक एक आदमी होता था जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था,
आज के लोग अगर ज़बान से न भी कहें लेकिन काम वही है, उनका आइन वही है, एजेंडा वही फिरौनी वाला है। तो बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि परवरदिगार अपने रहमत से हमें बकियतुल्लाह अल इब्राहिम, बकिया इब्राहिम हो, वारिस इब्राहिम हो, वारिस मूसा हो, और यानी हमकार ईसा हो, वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा, अपने रहमत से हिजाब गैब से जाहिर कर के ताकि हम उनका इस्तकबाल करें इन अल्फाज के साथ। तू है तो गुलो बुलबुल खुशबू का है समा, तेरे बग़ैर फसल ख़जा है बहार में, जब से बसे हो आके दिले बेकरार में, आंखें हैं फर्श राह।